नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। हरियाणा से एक के बाद एक हत्याओं की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। अब सोनीपत में स्टेट लेवल की पहलवान निशा दहिया का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। ये हत्या पवन कुमार नाम के शख्स ने की है। पवन कुश्ती अकेडमी का कोच बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस वारदात को सोनीपत के हलालपुर गांव में अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक निशा और उसके भाई सूरज और उसकी मां धनपति देवी पर फायरिंग की गई थी, जिसमें सूरज और निशा ने दम तोड़ दिया। मां ने बताया कि पवन निशा को छेड़ा करता था। बताया तो ये भी जा रहा है कि पहले भी निशा पर फायरिंग की गई थी। आपको बता दें, ये अकेडमी पूर्व ओलंपियन सुशील कुमार नाम की फ्रेंचाइजी है और इस एकेडमी को कुश्ती कोच पवन कुमार चला रहा था। इस घटना के बाद गांव वालों ने तोड़फोड़ की और एकेडमी को आग के हवाले कर दिया। जब पुलिस को निशा और उसके भाई सूरज की मरने की खबर पता चली तो उन्होंने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। रोहतक PGI हॉस्पिटल में एडमिट माँ धनपति देवी के बयान पर पवन, उसकी पत्नी, पवन के साले और हलालपुर गांव के निवासी अमन नाम के युवक पर मर्डर का केस दर्ज हो गया है। जब निशा के साथ पवन द्वारा छेड़छाड़ की जाती थी तो निशा की मां ने उसको कई बार समझाया भी, लेकिन कहते हैं फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आखिर कैसे हुई निशा की मां घायल, चलिए आपको बताते हैं। निशा के परिवार वालों को लगा था कि पवन अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बुधवार वाले दिन जब निशा के साथ छेड़छाड़ हुई तो निशा ने अपने घर फोन कर इसके बारे में बताया, जिसके बाद निशा की मां और उसका भाई सूरज वहां पहुंचे, लेकिन पहले ही वहां निशा को मार दिया गया था। फिर उनके वहां पहुंचते ही उन पर भी गोलियां चलाई गई, जिसमें भाई सूरज की मौके पर ही मौत हो गई और मां घायल हो गई। गोलियां पवन और उसके साले सचिन ने चलाई थी। हलालपुर गांव का रहने वाला दीपक, जो के निशा का चचेरा भाई है, उसने बताया कि उसकी बहन एक बेहतरीन खिलाड़ी थी। वो देश के लिए आगे चलकर मेडल लाना चाहती थी। दीपक ने बताया कि निशा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में कुश्ती के मुकाबले में दूसरे स्थान पर आई थी। निशा 2.5-3 साल से सुशील कुश्ती अकेडमी से प्रैक्टिस ले रही थी। आपको ये भी बता दे, पवन रोहतक जिले के बालंद गांव का रहने वाला है और हलालपुर उसका ससुराल है। ये भी बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद पवन एकेडमी में लगे CCTV कैमरों को भी उखाड़ कर ले गया। पुलिस ने वहां कोचिंग ले रहे पहलवानों से भी पूछताछ की और गांव वालों से भी जानकारी ली गई। FSL टीम ने वारदात वाली जगह से गोलियों के खोल के साथ साथ ब्लड के सैंपल भी जाँच के लिए भेज दिए है। गांव वालों ने एक और बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पवन ने निशा को नेशनल लेवल टूर्नामेंट में कुश्ती खेलने के लिए उसके परिवार वालों से मोटी रकम भी ली थी, और जब निशा को नेशनल लेवल टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला तो निशा के घर वालों ने पवन को दी गई रकम वापिस मांगी, जिसके बाद पवन को गुस्सा आ गया। पुलिस की तफ्तीश फिलहाल जारी है। गाँव में SP समेत पुलिस टीम मौजूद है। आपको बता दें, पुलिस के सामने ही लोगों ने एकेडमी की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया और आग लगा दी। मीडिया को गांव में घुसने तक नहीं दिया गया। तो दोस्तों, इस केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।